हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब खबर बिहार से। बिहार में आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उनके इस्तीफों को ठुकराते हुए कह दिया कि आप कहीं नहीं जा रहे। बिहार की सियासत में कल से ये दोनों चिट्ठियां सुर्खियों में हैं। पहली चिट्ठी आरजेडी के 5 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की है, जिसमें उन्होंने पार्टी से अलग होने का ऐलान किया है, जबकि दूसरी चिट्ठी चारा घोटाले में सजा काट रहे पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की है। लालू ने अपनी चिट्ठी के जरिए रघुवंश के इस्तीफे को खारिज कर दिया है। लालू ने अपनी चिट्ठी में लिखा, 4 दशकों में हमने हर राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ तक के पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जल्द स्वस्थ हो और फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। मेरा सीधे मानना वो कहीं नहीं जा रहा। एक तो पत्र की ऑथेंटिसिटी पर बात होगी। बीमार है वो, मैं कल स्वयं गया था। और हमारी पार्टी के कॉन्शियंस हैं रघुवंश बाबू, और रघुवंश बाबू और लालू जी के रिश्ते को शायद हम में से कोई नहीं समझ सकता। उधर रघुवंश के इस्तीफे में एनडीए को फायदा दिख रहा है। जेडीयू ने तो उनके स्वागत की भी तैयारी शुरू कर दी है। जब नाव डूबने लगती है तो भगदड़ मचती है, लोग जान बचाकर भागता है, तो कौन उस नाव पर सवार होगा? वो तो डूबती भी नाव, उसमें सुराख ही सुराख है। उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा, तो इसलिए रघुवंश बाबू उठकर ये निर्णय लेते हैं, तो हम सभी लोग जनता दल यू में उनका खुले दिल से, हृदय से उनका स्वागत करेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह फिलहाल दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं।